सो व्यूवर्स यू कैन सी दिस इज़ अ ब्यूटिफुल प्लांट. आप देख सकते हैं इसके पत्ते कितने प्यारे हैं, एकदम मखमली टाइप का टेक्सचर है इनका. दिस प्लांट इज़ कॉल्ड एज निकोटिया. तो आज हम निकोटिया के बारे में जानेंगे, किस तरह से इस पौधे को रखना है इनडोर आउटडोर, क्या इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट है, और किस तरह से आप इस प्यारे से पौधे को लंबे समय तक अपने घर में रख सकते हैं. आज हमारे पास ऋतिक जी हैं जो हमें इस पौधे के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में बताएंगे. तो ऋतिक जी, गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज़ ऋतिक और मैम आज आई हुई हैं अपनी श्री श्याम नर्सरी पे. मैम से मिलकर बहुत अच्छा लगा. कृपया करके मैम के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा. बिल्कुल आज मैम आई हुई, मैम को इतना प्यार है प्लांट से, मैम हमें वो देख के ना खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा. और आज मैम ने हमारे से पूछा है कि निकोटिया प्लांट कैसे रखा जाता है, क्या क्या इसकी कंडीशन होती है, क्या क्या इसके साथ कैसे खाद पानी क्या डालना पड़ता है. तो अपने पास ये निकोटिया प्लांट है, ये ऑल सीजन प्लांट होता है. इसमें अगर फ्लावर आता है, पर्पल कलर का फ्लावर आता है, डार्क पर्पल कलर का फ्लावर होता है, छोटे छोटे फ्लावर आते हैं. बोलते हैं कि ये ऑल सीजन प्लांट होता है, ऐसा भी है, पर ऑल सीजन में जैसे हम ज़्यादा पानी डाल देते हैं प्लांट मर जाता है. सर्दियों के हिसाब से इसमें थोड़ा कम पानी डालता है, गर्मियों में ज़्यादा सूखता है, वो तो नॉर्मली बात है, गर्मियों में ज़्यादा पानी दिया जाता है. तो गर्मियों में जैसे अभी सितंबर का मंथ है बट बहुत ही ह्यूमिड और बहुत ही हॉट हो रखा है अभी, और बहुत ही एकदम चिलचिलाती हुई गर्मी है. तो आप गर्मी में अगर मेरे पास ये पौधा है तो इसको आप कितने बारी पानी देना रेकमेंड करेंगे? मैम इसमें दो टाइम पानी देना रेकमेंड करूंगा, एक सुबह और एक शाम को. ओके, शाम को भी पानी देना है. और जब पानी दें तो इसके पत्तियों के ऊपर भी पानी डालेंगे? जी, पत्तियों के ऊपर ही पानी डालेंगे इसकी, जैसे कि यहाँ थोड़ा फ्लावर जो होता है और ये जो अपनी पत्ती होती है, लीव्स होती हैं, ये थोड़ी फ्रेश फ्रेश दिखाई दे. ओके, हाँ जी. तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ छोटे छोटे, यहाँ पे कहीं कहीं पे छोटे छोटे यहाँ पे बर्ड्स हैं, आई कैन सी दैट. ऑल दो इसमें अभी फूल सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं, बट इसमें बर्ड्स हैं तो फूल आते रहेंगे. तो इसमें ऑल सीजन हमेशा ही फ्लावर रहता है? ऑल सीजन हमेशा फ्लावर रहता है. ओके, सो ऑल सीजन प्लांट है ये. और जैसे इस पौधे की लाइफ क्या होती है? मैम लगभग इसका मैम वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप फ्लावर प्लांट्स को अपने कैसे रखते हैं, कैसे नहीं रखते. अगर ज़्यादा हम खाद डाल देते हैं तो प्लांट मर जाता है, ऐसे भी होता है. बाकी होता है हाइब्रिड प्लांट है, अगर जितने प्यार से रखोगे उतनी लंबी बढ़ती रहेगी उम्र इसकी. होता है मैम जैसे लाइफ अपनी भी लाइफ होती है, अगर ज़्यादा दवाई लग जाए आदमी मर जाता है, या तो बल्कि प्लांट्स हैं. तो आप इसमें खाद क्या डालते हैं? मैम खाद इसमें हम महीने में दो बार डालते हैं, ज़्यादा नहीं. हम ऐसे रस करके इसके अंदर खाद डाल देते हैं, ऊपर ही ऊपर खाद डालता रहता चलता रहता. और खाद में क्या डालते हैं? खाद में अपने पास खाद है, वर्मी कंपोस्ट खाद है, हम वही नॉर्मली डालते हैं. बाकी आती है गोबर खाद भी डाल देते हैं, ऐसे इसमें कुछ दिक्कत परेशानी. ओके, जैसे अभी एकदम गर्मी का टाइम है तो अभी आप इसमें खाद डालेंगे? हाँ जी मैम, खाद बिल्कुल डलती है इसके अंदर. महीने में हम दो बार खाद डालते हैं बस, उससे ज़्यादा नहीं डालते, मीडियम रस करके डाल देते हैं. बाकी हमारी मिट्टी के साथ भी खाद मिली हुई होती है. ओके, तो मतलब थोड़ा सा खाद ऊपर से आप ऐसे ही डाल देते हैं, और वो धीरे धीरे पानी जब आप डालते हैं तो पानी के साथ साथ वो अंदर चला जाता है और रूट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ओके, तो ये पौधे को इंडोर रखना है या आउटडोर रखना है? ये आउटडोर प्लांट है. अगर आप रखना चाहें, जैसे अपने पास होता है कस्टमर्स आते हैं, जैसे फ्लैट वाले आते हैं, अब उनको चाहिए होता है प्लांट अच्छा हो, फ्लावर हो, अच्छा खासा भरा हुआ, जो देखते ही मतलब दिल एकदम से खुश हो जाए, ऐसा प्लांट चाहिए होता है. पर हाँ हम बोलते हैं ये हल्के सनसेट्स में चला जाता है, हल्के सनसेट से जैसे ये प्लांट चल जा रहा है. लेकिन अदरवाइज इसको फुल सनलाइट चाहिए? हाँ जी, अदरवाइज इसको फुल सनलाइट चाहिए इसको. जैसे आप देख सकते हैं ये अपना प्लांट है, पोलोथीन के अंदर डला हुआ है. अभी इसकी ग्रोथ इतनी है तो ये इतनी कंट्रोल में रहेगी, जैसे ही हम ज़्यादा बड़े पोट में डाल देंगे, इंच बढ़ा देंगे, तो ये और ग्रो कर जाएगा. ओके, तो अगर आप इसकी हाइट छोटी रखना चाहते हैं तो छोटे प्लांटर में रखें इसको. ओके, तो ये तो है. अगर आपके पास टेरेस है और बालकनी है, वहाँ पे अच्छी धूप आती है, तो वहाँ पे इस पौधे को आप रख के. ये सो प्लांट होता है, अच्छा लगता है रखा हुआ. बहुत ही प्यारा पौधा है. पानी इसको दिन में दो बार देना है. विंटर्स में पानी कैसे देना है इसको? विंटर्स में अगर आपको लग रहा है, वैसे इतना ध्यान कोई नहीं देता कि कहते हैं अपना सुबह पानी डाल दिया, फिर कौन ध्यान दे रहा है कि हाँ आप पानी डालना है नहीं डालना. एक बार पानी डालोगे तो भी चल जाएगा, पर हाँ रोज़ पानी दो तो अच्छा ग्रो करेगा. ओके, इसमें रूट रॉटिंग की समस्या? हाँ जी नहीं, कुछ नहीं होता इसमें. अगर थोड़ा पानी, जैसे अगर हमारे गमले में चलो छेद होता है, ड्रेनेज सिस्टम अगर अच्छा होता है तो एक्स्ट्रा वाटर होगा तो वो निकल जाएगा. बिल्कुल निकल जाएगा. लेकिन अगर थोड़ा अगर हमने डेली डेली पानी डाल दें, जैसे एरिका में अगर डेली डेली पानी डाल दें तो रूट सड़े आती हैं, पौधा हमारा ख़राब हो जाता है. इसमें वो दिक्कत परेशानी कुछ नहीं होती. ओके, तो ये हार्डी प्लांट है, इसमें अगर आप डेली भी पानी डाल दें तो कोई दिक्कत नहीं. अदरवाइज़ जनरली प्रेफर करें कि आप मिट्टी थोड़ी सूख जाए
तो दो दिन में एक बार पानी दें, और अगर आपका पौधा आउटडोर है तो थोड़ा पानी स्प्रिंकल ज़रूर करें ताकि पौधे में पानी की कमी ना हो। तो ऋतिक जी, ज़रा आप हमें इस प्यारे से पौधे का कॉस्टिंग, अगर आप, इफ़ यू डोंट माइंड, कैन यू शेयर द कॉस्टिंग ऑफ दिस प्लांट। मैम इसकी कॉस्टिंग जो रहेगी अपनी मैम 1500 रुपये की रहेगी, 1500 की। आप आइए नर्सरी में, घूमिए, बाकी रेट की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जो आपका मन करेगा, जो दिल करेगा, आप पेड़ को ले जाइए और कैश दे दीजिए। ओके, सो प्राइस कैन बी नेगोशिएटेड। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई प्राइस कमिट कर दिया है तो वही प्राइस है। बिल्कुल, हमारे कस्टमर्स के लिए एडिशनल डिस्काउंट्स आर ऑलवेज अवेलेबल। बाकी आइए आप मैम के चैनल से, अगर आप आते हैं, प्रेफर करते हैं, कोई नहीं, हम और भी डिस्काउंट कर देंगे। और बताइए। So this is all about Nicotia. This is a very beautiful plant. You can see its leaves. They are very nice. So friends, the next plant in our list is Golden Bottle Brush. This you can see, this beautiful ornamental plant. So आज हम ऋतिक जी से पूछेंगे कि इस पौधे का क्या कॉस्टिंग है, और किस तरह से अगर हम इस पौधे को लेके आएँ तो किस तरह से हमने इस प्यारे से पौधे को अपकीप करना है। हाँ जी, तो मैं आज आपको बताऊंगा गोल्डन बोतल ब्रश, जैसा मैम ने बोला, कहते हैं कि इसको कैसे रखना चाहिए, हमें क्या इसकी कंडीशंस होती हैं, हम घर पर ले जाते हैं तो ये कैसे चलता है। ये बेसिकली होता अपना आउटडोर प्लांट है, इसको आउटडोर ही रखेंगे, हाइट इसकी यही रहेगी। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, जैसे पोट में डालते हैं तो पोट में इसकी हाइट यही रहेगी, जितना आप हमारे यहाँ से लेकर जाएंगे। हाइट बढ़ाना चाहते हैं डाल दीजिए, अगर आप अंदर लगा दीजिएगा, मिट्टी के अंदर लगा दीजिएगा तो हाइट बढ़ती रहेगी इसकी। यही होता है इसमें बेसिकली, होता क्या है, ज़्यादा सो प्लांट होता है ये इन बोल्स की वजह से। जितनी इसकी बोल्स हेल्दी होंगी उतना ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसी में हमारी एक वैरायटी और आती है, कैसोरीना बोलते हैं हम इसको, टपोरी है। ओके, टपोरी इसका कॉमन नेम है। हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो दोनों पौधों का ऑलमोस्ट टेक केयर हमें सेम तरीके से करना है? दोनों का केयर सेम होता है बिल्कुल, बस इसमें कलर का अंतर होता है, और ये थोड़ी हार्ड होती है और ये थोड़ी सॉफ्ट होती है। इन द सेंस कि थोड़ा इसका लुक अलग है, जो इसकी डंडी होती है ना, ये थोड़ी हार्ड होती है। okay. हाँ जी, ये देख सूखा टाइप का होता है। mm-hmm. ये, और मुझे, मैं अपना बताता हूँ मेरे को इसमें क्या ज़्यादा लगता है, अंतर इसमें ये होता है, ये ज़्यादा झड़ती है, मतलब झड़ना जैसे टाइप की, थोड़ा पत्ते झड़ते हैं इसमें, थोड़ा ज़्यादा झड़ते हैं, थोड़ा जल्दी सूखता है। कौन से सीजन में इनके पत्ते झड़ते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता कि सीजनल प्लांट जैसे पत्ते पतझड़ आती है, ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें होता रहता है ग्रो अपना अंदर से, प्लांट नई नई लीव्स इसमें से आती रहती है। तो अगर हमारा पत्ता झड़ना शुरू हो गया तो हमें ऐसा फिक्र करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। ये जो बोल्स होती है ना, ये बोल्स ऐसी बनी रहेंगी, इसमें पत्ते झड़ते रहेंगे, न्यू ग्रोथ होते रहेंगे। ओके, हाँ जी। तो इसको आपने बताया कि अगर हम गार्डन में डालते हैं अपने मिट्टी में, हाँ, तो इसकी हाइट बढ़ जाती है? हाँ जी, हाइट बढ़ती रहेगी, वही अपनी नॉर्मली साइज हो जाएगा इसका, 7 से 8 फीट। ओके, हाइट हो जाता है। ओके, हाँ जी। आपने इसको कहा कि पूरा सन में रखना, हाँ है जी, हाँ जी। तो हम इसे टेरेस या बालकनी, जहाँ पे भी हमारे पास सनलाइट अच्छे से आती है, वहाँ पे हम इसे रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। ओके, और हमारे पास गार्डन है तो गार्डन है तो फिर तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, फिर तो अपन गार्डन नीचे लगा सकते हैं इसको मिट्टी में आराम से। ओके, तो इसको पानी अगर हम लेके जाते हैं तो पानी हमें किस इंटरवल पे डालनी है? देखिए, होता ऐसा है जैसे बहुत हमारे कस्टमर होते हैं, वो ले जाते हैं, घास होती है उनके, मान लो ग्रास वाला अपना लैंड हो गया पूरा, उसमें ग्रास लगा रखे, साइड में ये लगा दी, अब घास है, घास के साथ पानी लगेगा, मिट्टी गीली होगी, इस तक पानी पहुँच जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर हाँ, अगर आप फ्लैट में रख रखा है, आपने छत पर रख रखा है, अब पोर्ट के अंदर है, तो फिर सुबह शाम इसको भी पानी की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। ओके, तो सुबह शाम पानी डालना है इसको? बस मिट्टी गीली रहनी चाहिए, चाहे आप पानी एक बार दे रहे हो, दो बार दे रहे हो, बेसिकली होता ही। ओके, मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रखे इसके लिए। ओके, अगर इसकी प्रॉपर ऐसे शेपिंग करने के लिए, इस तरह से इतना प्यारा ऑर्नामेंटल शेप है, इसको कैसे आप कुछ कटिंग, ट्रिमिंग, प्रूनिंग क्या करते हैं? बिल्कुल बताते हैं हम। इसमें क्या होता है, ये जो डंडी जो होती है ना, ये यहाँ से निकली हुई है, एक दो जैसे फालतू आ गए, जैसे एक्स्ट्रा इसमें से निकली आई, अगर आपको लग रहा है कि वो शेप में नहीं आ रही तो आप यहाँ से कट कर दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। okay. ये यहीं से ही अलग निकल आएगा ये। ओके, जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ, यहाँ से कुछ स्टेम्स कट करके निकाल दी गई हैं, तो इस तरह से आप भी, अगर आपको लग रहा है कि शेप आपकी ठीक नहीं आ रही है ट्री की, तो वहाँ से आप उस ब्रांच को कट करके निकाल सकते हैं, ट्रिमिंग कर सकते हैं। और आजकल तो अपने हाइब्रिड इतनी, मतलब प्लांट्स में आती है, प्लांट्स अपने आप ग्रो कर रहा है, वो ही शो बनी रहती है। हाँ, तो इस वजह से इसमें कोई ज़्यादा अपन को दिक्कत परेशानी करने वाली जरूरत नहीं है कि ये प्लांट चलेगा नहीं चलेगा, या फिर पानी ज़्यादा जरूरत देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें।
हाँ, लेकिन फिर भी पानी टाइमली देंगे तो पौधा हमारा हेल्दी रहेगा। तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लांट। इसमें आप खाद क्या डालते हैं? मैम इसमें खाद नहीं होता ऐसा कुछ, हमारी अगर आप पोट कंडा डाल रहे हैं वही मिट्टी के साथ आप मिक्सचर अपना खाद का डाल सकते हैं। ओके, तो खाद गोबर की खाद चल जाती है? गोबर की खाद हमारी बाहर से जो आती है हम वही नॉर्मली डालते हैं इसके अंदर। और वर्मी कंपोस्ट भी डाला जा सकता है? वर्मी कंपोस्ट अगर आप डालते हो जैसा ऐसा होता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी खाद होती है। गोबर वाली कस्टमर बोलते हैं कि भैया नहीं इसमें हमारी घर में स्मेल आती है, फ्लैट वगैरह में स्मेल आती है, कोई दिक्कत नहीं आप वर्मी कंपोस्ट खाद ले जाइए, पैकेट वाली खाद आती है अच्छी है हल्की हल्की, इसके ऊपर ऐसे रस करके डाल दीजिएगा, अच्छा प्लांट भी ग्रो करता रहेगा पानी के साथ, वो मिट्टी में मिक्स होती रहेगी। ओके, हाँ जी। सो बहुत ही मुझे लगता है लो मेंटेनेंस प्लांट है। हाँ जी बिल्कुल, और साथ में इतना सुंदर शो भी है इसमें। इसका कॉस्ट क्या पड़ता है? मैम ये है गोल्डन बोतल ब्रूस का इसका नाम है, ये आपको कॉस्ट पड़ेगा 600 का। हाँ जी बिल्कुल मैम, ये 600 रुपीस का प्लांट है। हाँ जी, बाई गॉड दिस इज सच अ ब्यूटीफुल प्लांट। 600 रुपए में तो कहीं पे केवल एक छोटा सा एग्लोनिमा ही मिलता है, बट 600 रुपए में हमारे पास इतना बड़ा इतना प्यारा गोल्डन बॉटल ब्रश टपोरी या टपोरी प्लांट, दिस एंटायर प्लांट यू कैन गेट इन 600 रुपीस। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड डील। एंड ये जो आपने दूसरी वैरायटी बताई कैजुरीना, ये मैम इससे बस थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली है, थोड़ा सा ज़्यादा। आप कितना बोलेंगे? आप आइए मैम का चैनल देख के हमें बताइए कि हम मैम का चैनल देख के आए हैं यूट्यूब पे, ऐसा हम डिस्काउंट कर देंगे, इसको भी आप 700 रुपये में ले देंगे। अरे 700 रुपीज़ में दिस ब्यूटीफुल कैजुरीना प्लांट यू कैन गेट हियर इन श्री श्याम नर्सरी। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लांट एंड अ वेरी गुड डील। सो दोज पीपल हु आर लिविंग इन गुरुग्राम दे शुड कम एंड दे मस्ट कम ओवर हियर। This is a takeaway plant, I must say.